बड़ी खबर है मीरा भाईंदर के भाईंदर नौघर इलाके से। मीरा भाईंदर में नाबालिग लड़की के यौन शोषण का प्रयास करने की खबर सामने आ रही है। इस मामले में आक्रोशित लोग नौघर पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह मामला सामने आया है कि एक हफ्ते पहले भाईंदर में एक 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची को दिखाकर धमकाया था, जिससे बच्ची डरी हुई थी। घटना के लगभग एक हफ्ते बाद आज जब बच्ची के पिता को मामले की जानकारी हुई तो उसने भाईंदर हिंदू संगठन के लोगों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कुछ लोगों ने आरोपी की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और उसकी जमकर पिटाई करते हुए नौघर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है। फिलहाल अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। हंगामे के वक्त स्थानीय विधायक गीता जैन ने पीड़ित लड़की से मुलाकात की और बाद में परिवार को नौघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने साथ ले आई है। नौघर पुलिस थाने के बाहर हिंदू संगठन के लोगों ने जय श्री राम के नारे के साथ आरोपी पर FIR दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में विधायक गीता जैन ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। मैडम, एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना आई है, किस तरह से देखते हैं इस घटना को और क्या बोलेंगे शहर के जो पेरेंट्स होंगे? बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना, और पेरेंट्स को एक बात जरूर कहूंगी कि ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं, दरिंदे राक्षस, उनको जो बोला जाए वो कम है, लेकिन मानवता उनके कहीं भी आसपास भी नहीं रहती। ऐसी घटना करने वाले को जितनी कड़ी सज़ा मिले वो कम है। तो मैं तो इसमें ये भी कहूँगी कि जैसे हमारे जो दुबई वगैरह में जो कड़क सज़ा है ना, वैसी सज़ा इन लोगों को यहाँ भी कर लेनी चाहिए सरकार ने, ताकि थोड़ा खौफ पैदा हो। लेकिन उस पर पॉक्सो लगा है और उसको कड़ी से कड़ी सभी धाराएं लगाई जा रही है। और मैं फिर एक बार कहूँगी कि उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए, और ऐसे जो लोग समाज में हैं उसे बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। इस घटना को हुए एक हफ्ता हो गया, आज उसके परिवार वाले सामने आए हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थोड़ा सहमति और डर रहता है, क्या बोलेंगे ऐसे माता पिता कि इस तरह के मामले को छुपाना नहीं चाहिए? बिल्कुल, क्या होता है थोड़ा सा हमारा समाज ये सोचता है, देखिए जिस लड़की पे ये गुजरती है उसका तो कोई कसूर होता नहीं है, लेकिन सजा लड़की को मिलती है। आजू बाजू वाले लोगों ने पूछना, उस लड़की को बार बार सुनाना, जो मानसिक टॉर्चर लड़की को होता है उसकी वजह से माँ बाप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि हम ऐसे केसेस बाहर नहीं लाए। मैं आप सभी के जरिए ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी होता है तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाइए, तुरंत ही उस पर एक्शन लीजिए, और वो एक्शन तुरंत लेने से इस तरह से और कोई बच्ची पे भी अगर ऐसा होता होगा तो वो रुकेगा और थोड़ा सा खौफ हमारे समाज में भी रहेगा। खुलकर सामने आइए, कहीं कुछ बच्ची की कोई गलती नहीं होती, उस पर कुछ नहीं होगा, खुल के ऐसी बातों को सामने लाइए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा तुरंत ही मिले। आप अगर इस तरह के पीड़ित आपके पास आते हैं तो आप उनके लिए क्या आवाज़? मैं तुरंत ही कहती हूँ कि चलिए सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में चलिए, और जो जिस राक्षस ने ये किया है उसे सबसे कड़ी सजा दिलवाएं, सबसे पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बच्चियों को संभालना भी हमारा काम है। अब ऐसे हैवान क्योंकि घूम रहे हैं, बाकी बच्चे हैं वो तो हर तरह पंछी की तरह उड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको हमें बंधन में रखना पड़ रहा है तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं चाहती हूँ कि वो ज़माना वापस आए जब हमारे बच्चे भी खुल के जी सके, बस ऐसे हैवानों को सजा मिलती रहे। सर, जो है महिला सशक्तिकरण और महिला को जागरूक करने जो है, पर इस तरह के मामले जो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है थोड़ा सा शोषण होता है, इसके लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे उनके को रोकने के लिए? महिला सबसे पहले तो एक आत्मविश्वास के साथ ऐसे मामलों को सामने लाए, अपने कोई भी अत्याचार हो, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे कोई और प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, तो तुरंत खुल के सामने आए। अब तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो ऐसी महिलाओं को साथ देती है, मैं खुद मेरी नारी सशक्तिकरण चला रही हूँ, बिल्कुल खुल के आए अगर मीरा भाईंदर की कोई भी महिला हमारे पास आएगी तो हम उन्हें मदद करते हैं। ऐसे मामले छुपाने से और ऐसे सहन करने से भी महिला का शोषण, देखिए जो महिला शोषण सहन करती है उसका शोषण कम नहीं होता, तो वो दुख से हम कहीं उसको छुटकारा पा सके, दिला सके, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी।